अरे एक सेकंड कि मैंने बहुत पहले बोली थी, मैं थोड़ी छोटी थी, और वो शायरी
हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, और जो भी मुझसे पूछता है ना कोई एक शायरी सुना दो या कुछ सुना दो, तो मैं हमेशा वही शायरी बोल देती हूँ क्योंकि मुझे वो इतनी ज्यादा पसंद है। तो अर्ज किया है आज बुरा है कल अच्छा आएगा, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, वक्त ही तो वह बदल जाएगा। लवली, आई थिंक इट्स सो नाइस, सो एक्चुअली क्रॉस्ड। यू नो, मुझे हमेशा से लगता था कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग कैसे बड़े सपने देखते होंगे, कैसे वो उनको पूरे करते होंगे। लखनऊ बहुत सुंदर जगह है, बहुत तहजीब की जगह है, रिक्शा वाले ना भी बोलते हुए आपको मना कर देते हैं, इसे प्यार से ऐसे निकाल देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जेन्युइनली कि आपके लिए कोई संघर्ष का मोमेंट रहा है? हैज देयर बीन एनी स्ट्रगल इन हर्षा'स लाइफ एवर? जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुंबई, आप सबको पता ही है, ज्यादातर लोगों को पता ही है, क्योंकि आप चाइल्ड एक्टर थी ना। जी जी। तो कभी डर नहीं लगा कहाँ पे आ गए, कहाँ आ गए? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। एक्चुअली मम्मी मेरी पहले करती थी एक्टिंग, और मैं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर थी क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है उन्होंने, और उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए। तो जब मैं आई थी तो मैं तो जस्ट ऐसे ही घूमने फिरने आई थी पहले तो, बट फिर जैसा मैंने बहुत बार बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ कि लोग बोलते थे कि मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं कितनी ऐसे कितनी चक्कर पटर, तो क्यों ना आप इसको ऑडिशन में लेके जाओ, क्यों ना आप इसको कुछ सीरियल या एक्ट में कराओ। तो मेरी मम्मी इज लाइक, क्या 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 बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, मतलब वो नहीं कर पाएगी, मतलब मुझे पता था मैं कर पाऊंगी, पर वो सोचती थी ये लाइफ में मतलब बहुत बड़ी बात है। आई नॉट योर एज, बहुत छोटी थी और मैंने कभी ऐसा बोला भी नहीं कि मुझे एक्टिंग करना पसंद है, बट वो मुझे ऑडिशन पे लेके गए और मैं अपने फर्स्ट ऑडिशन में फाइनल हो गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स फॉर द बेबी क्रीम, बिकॉज़ हरिश्वास फॉलोअर्स आर मेनली दोस एस्पायरिंग क्रिएटर्स, राइट, जिन्होंने उनको बनते हुए देखा है तो उनको भी लगता है हम भी बन सकते हैं। तो हमने एक आइकॉनिक प्रोडक्ट है कि आप सेल्फीज खींच रहे हो, आप ये प्रोडक्ट लगाओ, आप नीचे सो इट हैज एसपीएफ, राइट, सो that is one of the strongest element. Yeah, of course, the journey is so inspiring and I am definitely looking forward to try these products. Vrinda, do you have a question? Matlab, how do you really manage to keep up with, you know, so many people like on a daily basis? I think Anisha ki bahut acha sawal. छोड़ ले लो। हाँ, ले भाई, मुझे मालूम है छोड़ लेना है, इसके अलावा आगे मालूम था मुझे, ये बीच में सुना है, हट जाएगा यह सबको मिलेगा सपने में, ये मैं लेके जाएगा भाई, आईफोन में भी लेके जाएगा सामने रहो। थोड़ा सा आ गया ये ना, थोड़ा सा नहीं लाइट खराब है, नहीं ना भाई थोड़ा आ गया, बोलो क्या बोलो क्या, नहीं बोलो ना, नहीं नहीं अभी मैं बोलता तो आ गया है। ये साथ में थोड़ा आ गया ये ना, बस बस वैसे टिकटॉक पर फोटो फोटो, हां बैठ के ले, बैठ के लो, बैठ के लो, क्या छु बैठ के लो, ओवर कर सेंटर में आइए, सेंटर में मैम अरसीफा, सेंटर में आइए ना। ओके, ऐसे बोल रहे हो जरा घर की तुम्हारे एकदम जानते हो का घर की बाजी में, अरे वहाँ पर फिर आज तुम्हारा 2 लाख जाएगा। मैं
चलो हो गया। कहाँ गए वो? कहाँ राकेश भाई? कहाँ? डन। Is one achievement for an 18-year-old. So I'm just clapping for her from the bottom of my heart. Thank you everybody for being here. It means a lot. This is the start of, like I said, Influencers 2.0. A good brand kare, dusron ko inspire kare, and do it for a cause. That's what a blessed soul does. Thank you. You're really, really special. Thank you. Thank you. Thank you everyone for coming. Can we have a group picture, please? Thank you. Only Sohel and Harish. सो मेरा बचपन से ड्रीम था कि मेरा खुद का ब्रांड लॉन्च हो। मुझे बचपन से मैं मेकअप से ना बहुत ज़्यादा प्यार है बचपन से। तो मैं छोटी थी तो मम्मी का मेकअप लेके करती थी और मम्मा का ब्लश और लिपस्टिक सब, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक था मेकअप का। तो तब से मेरा एक ड्रीम आ गया, बन गया कि मुझे खुद का मेकअप ब्रांड लॉन्च करना है, जो कि आज आप यहाँ पे सब है, आप सब देख रहे हैं। फाइनली ये जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो गया, जो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आप सभी को ही शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप सब नहीं होते तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता था। आपके जितने भी फैंस हैं, उन्होंने आपकी जर्नी देखी है टेलीविजन से लेके इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर, तो अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को कि कैसी रही है जर्नी, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे। ऐसे बात करें तो शुरुआत से तो आप सबने मेरी जर्नी देखी है हमेशा से। मैंने जितने शोज़ किए, मैंने जो भी चीज़ें की, मैंने वीडियोस में देखा आप लोग ने मेरी जर्नी को, बहुत चीज़ों में देखा। सो वैसे तो आप लोग को दिखता नहीं, आप लोग नहीं देख पाते हो कि क्या क्या तकलीफें आई। तो ऐसे तो बहुत सारी छोटी मोटी आती रहती है, बट हमें उसमें उस पर बैठ नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ों को हटा के हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और जो हमारा गोल है लाइफ में उसको करना चाहिए कंप्लीट। और इंशाल्लाह जो जो मैंने सोच रखा है वो ज़रूर पूरा हो। जी जी, सो मिशी में हमने सोचा था, एज यू ऑल नो कि मैं के ड्रामास बहुत देखती हूँ, और मुझे हर चीज़ है ना वो बड़ी क्यूट क्यूट पसंद आती है, जो चीज़ें बड़ी क्यूट लगती है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो हमने सोचा था हम हमारे ब्रांड का नाम वो रखेंगे जो कि बहुत कोरियन टच दे, एंड वो क्यूट भी लगे साथ में, मेरा वाइब मैच करे। सो इस तरीके से हमने इसका नाम मिशी में रखा। सो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा एंड सुहेल इंस्पायर करते हैं। ऐसा कोई भी मौका नहीं आता है जब मैं थोड़ा सैड होती हूँ तो वो मुझे सैड होने देते नहीं, वो हमेशा कहते हैं अरुष्पा तुम जो भी कर रही हो अपनी लाइफ में वो बहुत ही अच्छा कर रही हो, और इंशाल्लाह आगे जो भी करोगी वो बहुत अच्छा करोगी, और हम सबकी दुआ है। तो ये दोनों जो शख्स हैं ना मेरी ज़िंदगी में, ये लोग बहुत मायने रखते हैं, और ये लोग हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि जितने ड्रीम्स है वो ज़रूर पूरे होंगे अगर तुमने दिल से रखा। तो मैंने तो ये जो मेरा ड्रीम है ये अचीव कर लिया है, अब आप सबकी बारी है। सुनील के साथ आपने कोलैबोरेट भी किया, अगर आप दोनों के कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताएं हमें कि कैसे कोलैबोरेशन हुआ, और थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को इसका। जी जी जी, तो सबसे पहले तो मैं इनको ऑफिशियली मैनेज करता हूँ राइट। जब मैंने उनको मैनेज करना शुरू करा, मेरे फादर भी सेलिब्रिटी मैनेजर थे, अराउंड 22 ईयर्स से वो इंडस्ट्री में थे। सो मेरा हमेशा से यही टारगेट था कि जब इनका पीक होता है आप इन्हें इस तरीके से सेटल करिए कि कल अगर वो काम नहीं करना चाहते या वो काम नहीं कर रहे तो भी किसी ना किसी तरीके का रेवेन्यू चैनल इनके पास हो। तो यही सोच के फिर हमने 2 साल पहले से ये प्लान बनाया कि खुद का ब्रांड बनाए,
खुद का एक कुछ ऐसा एसेट बना है जो आपको लॉन्ग रन पे हेल्प करेगा और एक कम्युनिटी को भी आप कुछ रिटर्न कर रहे हो। सो वो बेसिकली कोलैबोरेशन का आइडिया था। आरिफ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ कोलैबोरेट करने का, क्योंकि जो है तो पहले तो मैनेज करते थे, अब आप लोग बिजनेस पार्टनर बन गए, अगर थोड़ा सा बताया। देखा जाए तो हम बिजनेस पार्टनर है, बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि हम हमेशा इतने मस्ती में रहते हैं और साथ ही साथ हम काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हम फन भी करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं रहा कि कुछ प्रेशर हो रहा है या कुछ। हम हमेशा एकदम अच्छे से रहते हैं और हमारे जो हमने सोच रखा होता है हमें ये करना है वो हम मिलके करते हैं। आई थिंक एक एक्सपीरियंस आई थिंक मेरे को बात करनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मैनेजर राइट, एट टाइम्स आपको एक सर्टेन अमाउंट की डील आ रही होती है और अगर मैं उनको बोलूँ कि आपको ये नहीं करना, तो 2 साल से म्यूजिक वीडियोस ना लाइक बड़े से बड़े चैनल्स का म्यूजिक वीडियोस हमें ऑफर हुआ है, बड़े से बड़े ब्रांड्स आए, बट मैंने मना किया इनको कि आप ये नहीं करोगे और उनको लेट गो किया। सो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया और 2 साल आगे की पिक्चर जो थी उन्होंने पहले देख ली कि 2 साल बाद हमें ये दिन देखने मिलेगा। सो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में। तो जो सबसे पहला है बेंजोविन करके एक कंटेंट होता है जो ऑलमोस्ट सारे क्रीम्स में होता है, फेशियल क्रीम में होता है, पर जब आप उसको लॉन्ग रन पे लगाते हो तो आपके स्किन को बर्न करना शुरू कर देता है। तो एक वो चीज़ हमने यूज़ नहीं की। दूसरा, जनरली जब आप मार्केट में कोई भी क्रीम लेने जाते हो जो बेस या फाउंडेशन की तरह एक्ट करता है, तो उसको आपके स्किन टोन के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे क्रीम में ये यूनिक पार्ट है कि ये यूनिवर्सल स्किन टोन है, तो इंडिया में तकरीबन 12 स्किन टोन्स है, तो वही सारे स्किन टोन्स के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा। तो ये आई थिंक अभी मार्केट में एज सच कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं ऑफ दिस क्वालिटी। तो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है जो हम 180 रुपीज़ में दे रहे थे। जैसा मैंने अभी भी बताया था, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये सबकी लाइफ में होता है। आप कोई भी काम कर लो, कोई भी जॉब कर लो, ये आपको फेस करना ही है, और जो कि आप सबको पता है कि सभी फेस करते हैं। और मैं उतना दिमाग पे नहीं लेती हूँ इन सब चीज़ों को, पहले मुझे हो जाता था, मैं सैड हो जाती थी, अरे इसने ये कहा वो कहा, ये नहीं कहना चाहिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मतलब मैं वो चीज़ को बहुत दिल पे ले लेती थी। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मुझे समझ में आया कि नहीं, ये नहीं है, मैं इस चीज़ को लेके बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी भर होना है, ये हमेशा होना है, मैं कुछ भी काम कर लूँ तो मुझे वो देखना है जो पॉजिटिव है, जो मेरे फैंस है, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे हर काम को इतना पसंद करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उन पर ज़्यादा फोकस देना है, इन लोगों पर नहीं देना है। तो जब भी कुछ होता है मैं इग्नोर कर देती हूँ, जस्ट इग्नोर, और मैं हैप्पी हो जाती हूँ कि मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं, तो मुझे इन सबको देखने की क्या जरूरत है। सी, हमारा स्टार्टिंग से ये रहा है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बहुत अच्छा बनाना है, हमारा बेस्ट देना है, एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उनको ज़रूर पसंद आएगा ये, और सब इसको यूज़ करेंगे, बाय करेंगे और अप्लाई करेंगे। एनालिटिक्स वगैरह हमने देखा था कि इनके फॉलोअर्स कौन है, कहाँ से है, तो अगर कोई रतलाम से है तो हमने टेस्ट प्रोडक्ट बना के रतलाम भेजा और वहाँ पर रैंडम लोगों को बोला कि आप प्रोडक्ट यूज़ करके गूगल फॉर्म पर हमें रिव्यू दीजिए। तो उस तरीके की हमने रिसर्च की है, तो आई थिंक दैट वाज द प्लान। लास्टली करिश्मा, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सुनील ने कहा कि आपने 2 साल से कोई म्यूजिक वीडियो नहीं किया, आपके जितने भी कलीग्स हैं वो सारे बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस कर रहे, तो उससे दूर रहना कितना मुश्किल था आपके लिए, अगर थोड़ा सा देखा जाए? बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने ठान लिया था कि हमें जो करना है वो करना है, तो हम ऐसे बीच बीच में लेके नहीं बैठ सकते, अरे वो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, अरे वो उसने ये किया उसने वो किया हमने क्यों नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज़ पकड़ के बैठ लिए थे हम कि हमें इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता था कि लोग, क्योंकि फैंस तो बहुत क्यूरियस हो जाते थे राइट, कि यार
अगर इनको आ रहे हैं म्यूजिक वीडियोस तो आपको भी तो अपॉर्चुनिटीज आ रही होगी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो कितने बार ऐसे क्वेश्चंस आके लोग तरह तरीके से अजम्पशंस करते थे कि आपको काम नहीं करना मार्केट में, या आपको पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी अजम्पशंस हो गए. तो आई थिंक वो बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग भी था, बट एट द सेम टाइम हमारा फोकस इतना स्ट्रांग था, यहाँ तक आना कोई डिफिकल्ट जर्नी नहीं थी मेंटली. देखा जाए ये जो जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत, और देखा जाए इसमें सब कुछ हुआ है, खुश खुश भी, सैड भी, सब कुछ हुआ है. और बस मैं इस बात के लिए इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हमने जो स्टार्टिंग में सोच रखा था वो फाइनली जाके हो गया, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ होगा, उसके लिए आप सबको वेट करना पड़ेगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. अभी आप लोग खाना